नमस्कार, मैं चंद्रा और आप देख रहे हैं द फुल वॉल्यूम। द फुल वॉल्यूम के इस करंट अफेयर्स में हम जानेंगे कुछ महत्वपूर्ण सवाल और उसके जवाब। अगर आप जीके जीएस या करंट अफेयर्स से रूबरू होना चाहते हैं या आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो यह करंट अफेयर सेक्शन आपके लिए बहुत ही मददगार साबित हो सकता है। तो बने रहे द फुल वॉल्यूम के साथ। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। प्रश्न एक, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए निराकार प्रधान, ऑप्शन बी रविंदर भाकर, ऑप्शन सी संजय द्विवेदी या ऑप्शन डी इंद्रमणि पांडे। और आपका सही जवाब है ऑप्शन बी रविंदर भाकर। रविंदर भाकर ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्यभार संभाला है। वह इस पद पर अनुराग श्रीवास्तव का स्थान लेंगे। इससे पहले भाकर पश्चिम रेलवे के सचिव और मुख्य जनसंपर्क अधिकारी के रूप में तैनात थे। उन्होंने भारतीय इंजीनियरिंग सेवा के अधिकारी के रूप में भी काम किया है। प्रश्न दो, भारतीय जनसंचार संस्थान के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए निराकार प्रधान, ऑप्शन बी रविंदर भाकर, ऑप्शन सी संजय द्विवेदी या ऑप्शन डी इंद्रमणि पांडे। और आपका सही जवाब है ऑप्शन सी संजय द्विवेदी। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने प्रोफेसर संजय द्विवेदी को भारतीय जनसंचार संस्थान के महानिदेशक के रूप में नियुक्ति की मंजूरी दी है। वे वर्तमान में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल के रजिस्ट्रार के रूप में कार्यरत हैं। 1965 में स्थापित IIMC सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्थान है। प्रश्न तीन, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सेतुरमन पंचनाथन, ऑप्शन बी विजय खंडूजा, ऑप्शन सी इम्तियाजुर रहमान या ऑप्शन डी श्रीकांत माधव वैद। और आपका सही जवाब है ऑप्शन डी श्रीकांत माधव वैद। श्रीकांत माधव वैद ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। वह संजीव सिंह का स्थान लेंगे जो 30 जून को सेवानिवृत्त हुए थे। श्रीकांत माधव वैद्य रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड के प्रमुख के रूप में भी कार्यभार संभालेंगे और पेट्रोनेट LNG लिमिटेड के बोर्ड में निदेशक भी होंगे। प्रश्न चार, निम्न में से किसे विजडन द्वारा 21वीं सदी के भारत के सबसे मूल्यवान खिलाड़ी के रूप में नामित किया गया है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए महेंद्र सिंह धोनी, ऑप्शन बी विराट कोहली, ऑप्शन सी सुरेश रैना या ऑप्शन डी रविंद्र जडेजा। और आपका सही जवाब है ऑप्शन डी रविंद्र जडेजा। भारत के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा को विजडन द्वारा 21वीं सदी के देश के सबसे मूल्यवान खिलाड़ी के रूप में नामित किया गया है। उन्होंने 2009 में अपनी क्रिकेट करियर की शुरुआत की थी। जडेजा की MVP रेटिंग 97.3 के आसपास है, जो श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन के बाद दूसरे स्थान पर। प्रश्न पांच, रूस में जनमत संग्रह के दौरान मतों के अनुसार राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन किस अवधि तक रूस का नेतृत्व कर सकते हैं? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 2024, ऑप्शन बी 2028, ऑप्शन सी 2032 या ऑप्शन डी 2036। और आपका सही जवाब है ऑप्शन डी 2036। 15 जनवरी 2020 को फेडरल असेंबली में अपने संशोधन के दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा प्रस्तावित संवैधानिक जनमत संग्रह 25 जून से 1 जुलाई 2020 आयोजित किया गया। रेफरेंडम के दौरान वोटों के अनुसार 77.95% रूसी नागरिकों ने रूस के 1993 के संविधान के संशोधन के समर्थन में मतदान किया है। रूसी नागरिकों के केवल 21.23% ने संशोधन के खिलाफ मतदान किया है। प्रश्न 6, कार्नेगी कॉरपोरेशन द्वारा 2020 ग्रेट इमिग्रेंट के रूप में निम्न में से किस भारतीय अमेरिकी को सम्मानित करने हेतु 38 इमिग्रेंट्स की सूची में सूचीबद्ध किया गया है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए डॉक्टर सिद्धार्थ मुखर्जी और प्रोफेसर राज चेट्टी, ऑप्शन बी प्रणव वर्धन और कौशिक बासु, ऑप्शन सी गीता गोपीनाथ और रघुराम राजन या ऑप्शन डी GS मडाला और रिया प्रसाद। और आपका सही जवाब है ऑप्शन ए डॉक्टर सिद्धार्थ मुखर्जी और प्रोफेसर राज चेट्टी। संयुक्त राज्य अमेरिका ने दो प्रसिद्ध भारतीय अमेरिकी जिन्होंने COVID-19 स्वास्थ्य संकट को कम करने के प्रयासों में योगदान दिया है, वह इस वर्ष अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस स्मरणोत्सव से पहले एक प्रतिष्ठित अमेरिकी फाउंडेशन द्वारा सम्मानित 38 अप्रवासियों में शामिल है। पुलित्जर पुरस्कार विजेता लेखक और
ऑन्कोलॉजिस्ट सिद्धार्थ मुखर्जी और हार्वर्ड विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर राज चेट्टी को कार्नेगी कॉर्पोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क द्वारा 2020 ग्रेट इमिग्रेंट सम्मान के रूप में नामित किया गया है। प्रश्न 7, आपसी समझ को बढ़ावा देने तथा सामरिक और संचार प्रशिक्षण के लिए किन दो देशों ने नौसेना अभ्यास पैसेक्स आयोजित किया है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए भारत और ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी भारत और अमेरिका, ऑप्शन सी भारत और जापान, या ऑप्शन डी भारत और दक्षिण कोरिया। और आपका सही जवाब है भारत और जापान। आपसी समझ को बढ़ावा देने के लिए भारतीय नौसेना और जापानी नौसेना ने हिंद महासागर क्षेत्र में मलक्का जल डमरू मध्य की ओर सामरिक और संचार प्रशिक्षण के लिए एक दिवसीय नौसेना अभ्यास पैसेक्स आयोजित किया है। यह पिछले 3 वर्षों में इन दोनों राष्ट्रों की नौसेनाओं द्वारा किया गया 15वां अभ्यास था। प्रश्न 8, किस देश ने कोविड-19 महामारी के कारण 2021 एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग को रद्द कर दिया है और एक आभासी शिखर सम्मेलन का विकल्प चुना है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी मलेशिया, या ऑप्शन डी न्यूजीलैंड। और आपका सही जवाब है ऑप्शन डी न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने कोविड-19 महामारी के कारण ऑकलैंड में होने वाले 2021 एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन फोरम को रद्द कर दिया और एक आभासी शिखर सम्मेलन का नेतृत्व करने का फैसला किया है। प्रश्न 9, सरकार ने निम्न में से किसे सम्मानित करने के लिए स्मारक डाक टिकट जारी करने की घोषणा की? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए एचडी दवे गौड़ा, ऑप्शन बी पीवी नरसिम्हा राव, या ऑप्शन सी आईके गुजराल, या ऑप्शन डी वीपी सिंह। और आपका सही जवाब है ऑप्शन बी पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव को भारतीय आर्थिक सुधारों का जनक माना जाता है। पीवी नरसिम्हा राव ने 1991 से 1996 तक 9वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। वह एकमात्र गैर गांधी है जिन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में एक पूर्ण कार्यकाल पूरा किया। वह दक्षिण भारत क्षेत्र से जीतने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री भी थे। हाल ही में 28 जून 2020 को उनकी 100वीं जयंती मनाई गई। प्रश्न 10, अमेरिकी संघीय संरचना आयोग ने निम्नलिखित में से किस चीन कंपनी को राष्ट्रीय सुरक्षा हेतु खतरा बताया है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए हुआई टेक्नोलॉजी, ऑप्शन बी जेटी कॉर्पोरेशन, ऑप्शन सी हायर कॉर्पोरेशन, या ऑप्शन डी ए और बी। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी ए और बी, यानी हुआई टेक्नोलॉजीज और जेटी कॉर्पोरेशन। एंटरटेनमेंट, एजुकेशन और पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहे द फुल वॉल्यूम। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।